जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैच से क्विंटन डीकॉक काफी सुर्खियों में है। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सभी को चौंकाते हुए अपना नाम मैच से वापस ले लिया। दरअसल दोस्तों, डीकॉक ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट यानी अश्वेत लोगों पर हो रहे हमले के सपोर्ट में घुटने टेक कर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस खबर की पुष्टि की है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप के मैच में इस मुकाबले से पहले खिलाड़ियों को अश्वेत लोगों पर हो रहे हमले के खिलाफ घुटने पर टेक कर अपना विरोध जाहिर करना था। दुनिया को ये संदेश देना था कि हम रंग भेद को लेकर अश्वेत लोगों पर हो रहे हमले में हम इसका विरोध करते हैं और अश्वेत लोगों के साथ खड़े हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कई खिलाड़ी इसका विरोध जताने के लिए घुटने के बल टेक कर बैठे हैं। वहीं कई खिलाड़ी खड़े होकर ही इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं रबाड़ा घुटने के बल बैठकर अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। मतलब सभी खिलाड़ी अपना अपना समर्थन काले लोगों पर हमले के लिए रख रहे हैं, चाहे वो बैठकर हो या फिर खड़े होकर ही। वहीं क्विंटन डीकॉक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। डीकॉक का कहना था वे घुटने के बल नहीं बैठेंगे, जिसके बाद खबर आई कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीकॉक को इसमें खेलने से मना कर दिया। हालांकि कप्तान टेम्बा बाउमा ने मैच से पहले टॉस में कहा उन्होंने पर्सनल कारणों की वजह से इस मैच में नहीं खेलने का फैसला किया है। लेकिन आपको बता दें, डीकॉक ने अतीत में भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और इसे अपनी पर्सनल राय कहा था। डीकॉक ने कहा था, यह सबका पर्सनल फैसला होता है, किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। वहीं क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने एक बयान में कहा था, टीम को नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट और लगातार स्टैंड लेते हुए देखा जाना अनिवार्य है, विशेष रूप से साउथ अफ्रीका के इतिहास को देखते हुए। ऐसे में कई यूजर्स ने ये तक कह रहे हैं कि अब क्विंटन डीकॉक साउथ अफ्रीका के लिए आगे खेले इस बात की संभावना भी काफी कम है।